हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और मैं अभी देने जा रही हूँ चाय, जो कि मैंने अभी भी बनाई है। तो आज है भागवत का दूसरा दिन और देखते हैं, आज तो घास वास काट के ही जाना पड़ेगा क्योंकि कलश यात्रा थी, ब्यास को लाना था, तो इसलिए सुबह जाना पड़ा। तो आज दिन में ही जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज चुके हैं सुबह के 10। हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। अब आप लोग बोलते होंगे कि उठ 5 बजे जाती, 5:30 बजे जाती है और नाश्ता इतनी लेट क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि गोलू के साथ खेलने लग जाते हैं हम। जब होता है ना कि घर में छोटा बच्चा हो तो उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता किसी का भी, तो हम उसके साथ खेलने लग जाते हैं। और जब खेलने लग जाते हैं उसके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, रोज़ ऐसा ही होता है। तो इसलिए फिर लेट हो जाता है। फिर और भी काम होते हैं यार, घर के कई सारे काम होते हैं। छाँछ छोलना होता है, गोबर निकालना होता है, भैंसों को निकालना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, बहुत सारी हैं, उड़ रही है, पर मेरे को डर नहीं लगता इनसे, थोड़ा सा ही तो काटेंगी। तो अभी जा रही हूँ अपने कमरे में, बाल बाल बनाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घास के लिए। तो हम आ चुके हैं घास के लिए, इधर काटना है हमने घास। लेट भी हो ही गया है पर हमने कहा 2 मिनट बैठ ही जाते हैं, ये काम कभी पूरा नहीं होगा। और घर में जाके बहुत सारे कपड़े धोने हैं क्योंकि कल सब जने नहाए थे, मम्मी पापा भैया दी गोलू, गोलू तो आज नहाया, लेकिन सबके कपड़े हैं तो उनको धोएंगे घर जाके। एक बहन खाना बनाएगी, एक बहन कपड़े धोएगी। तो चलो मिलती हूँ आपको तब जब मैं घास वास काट के और घर चली जाऊँगी, तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। घास और मैंने आज अपनी बिटिया, आज भी मैंने खुद ही लगाई है और दी बोल रही है बहुत अच्छी लगा रखी है। ये तारीफ हो गई मेरी थोड़ी सी। और दी अपनी खुद ही लगा रही है। और अब चलेंगे हम घर को, घर जाके खाना वाना बनाएंगे, कपड़े उपड़े धोएंगे, बर्तन वर्तन धोएंगे, उसके बाद चलेंगे भागवत में। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज चुके हैं 1:30 और मैंने खाना वाना बना लिया है, खाया नहीं है अभी। और नीचे भागवत शुरू होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो दी धो रही है कपड़े, अभी हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद दी कपड़े धो रही है। और अभी ये बकरे लेके नहीं आए हैं, जब बकरी लेके आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। आ चुके हैं बकरेल। बैल जो बकरों में जा रखे थे तो आ चुके हैं और मेरे को बोला कि बांध के आ उनको, बल मैं छन्नी में नहीं जाऊंगा, यहीं पे घर के सामने छोड़ दूंगा, तो तू बांध के आना उसको। मैंने कहा ठीक है मैं बांध दूंगी, और यहीं पे रास्ते में छोड़ दिए हैं, मैं जा रही हूँ इनको बांधने। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हमने खा लिया है खाना वाना, फटाफट से तैयार होते हैं, फिर चलते हैं भागवत में। और आज भागवत का दूसरा दिन, तो चलो चलते हैं फिर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भागवत में। तो चलो चलते हैं फिर, ये भी तैयार हो चुके हैं। क्या तैयार होना, कल ही की टिकट पहनी है, चश्मे पहन दिए बस। और ये जा चुके हैं और ये जा रहे हैं। नमस्ते। तो चलो चलते हैं फिर। हम जा रहे हैं भागवत में। तो आज गोलू भी हमारे साथ ही जा रहा है, और दिन माँ लेके जाती है इसको। तो चलो चलते हैं फिर, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जब आंखें होती तो पूरा देख लेते, लेकिन उन्होंने आधा आधा उन्होंने वैसी व्याख्या करी है। इसलिए भगवान भी एक ही है, लेकिन जो भक्त लोग हैं, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई योगेंद्र कहता है, कोई ग्रंथकार कहता है। हमारे 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिखे, लिखने के बाद वो खिन्न बैठे हुए थे। जब खिन्न बैठे हुए थे तो उनके खिन्न मन से नारद जी प्रकट हुए। नारद जी आए, देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम् मूर्च
श्रयित्वा हरिकथा परम भक्त है भगवान के नारद जी। तो नारद जी प्रकट हुए, वेद दिखा, एक ही वेद के चार विभाग कर लिए, शुक्ल यजुर् अथर्वण सामवेद इत्यादि, ये एक ही वेद के चार विभाग है, वेद एक ही होते हैं। वेद 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 भगवान जी लिखे नहीं गए शास्त्रों में। जैसे हम सत्य सनातन धर्मी हैं, धर्म का अर्थ क्या होता है, शाश्वत धर्म एक ही है सत्य सनातन धर्म, बाकी जितने भी घूम रहे हैं ये पंथ हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए भैया इनमें नहीं जाना चाहिए। आपके पितर जो हैं, कई लोग निरंकार ठीक है आप सत्संग में जाओ, मना नहीं, निरंकार को भी अपनाओ, लेकिन उस निरंकार की उपासना कैसे प्रकट हो गए, तो ये तो बाल लीला कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि माखन खा रहा है, गोपियों के चीज सुरा रहा है, अच्छा है बाल लीला के माध्यम से, तो निरंकार को अंदर कैसे देखोगे, योग की इतनी प्रबल इच्छा भी नहीं है, योग में भी शक्ति बहुत कम है, योग भी अब आसनों में आ गया है, हठ योग हो गया, अष्टांग इत्यादि कई योग ले लिए उन्होंने, लेकिन वो भी आसन तक सीमित है। क्रियाएं आंतरिक क्रियाएं जैसे बंद है, तीन बंद होते हैं हमारे शरीर में, मूल बंद, मुड़ियान बंद, जालंधर बंद, गुदा द्वार को ऊपर खींच करके और ऊर्ध्वगामी बना देना तेज को, पहले के ब्रह्मचर्य जो पालन करते थे विवाह नहीं करते थे, कहां किस गुफा में बैठा होगा सुखदेव महाप्रभु, तो उसका अधिकारी था तो क्या करूंगे, तो उन्होंने पांच श्लोक अपने शिष्य को रटाए और बोला इसको यत्र तत्र गाओ, सबसे पहला श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपु, करने चाहिए मुझे जाना चाहिए, पर थोड़ी देर में मन में आया अरे सुंदर लोग अभिमानी भी होते हैं, क्या पता मुंह लगाता है कि नहीं लगाता, तो फिर मन बनाया, फिर लगाई समाधि, बैठ गए। फिर शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, उसमें भगवान के वात्सल्य का वर्णन है कि कृपा कैसे कैसे लोगों पे कृपा कर देते हैं भगवान, अहो वकीयं स्तन काल कूटम, अहो वकीयं स्तन काल कूटम, अहो वकीयं स्तन काल कूटम, आप कभी
भागवत खत्म और हमारी भैंस निकालने में देर हो गई, इसलिए चाय पीते पीते जा रही हूं। तो चलो अभी भैंस वैस निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या काम है। गोबर वोबर निकालना ही होगा, घास के लिए जाना होगा क्या पता, तो देखते हैं। चलो मिलती हूँ आपको। कर लिए मैंने कपड़े चेंज, अब जल्दी से भैंस से बाहर निकाल देती हूँ, फिर क्या पता गोलू को पकड़ूंगी। तो दी वो करेगी, घास वास लाएगी, अगर दी गोलू को पकड़ेगी तो मैं घास वास लाऊंगी। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, पहले भैंसे निकाल लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज चुके हैं रात के 10 और मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम में। और आज थोड़ा सा खाने में लेट हो गया क्योंकि आज मेहमान भी आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया। तो चलो करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज थोड़ा तबीयत भीड़ी ढीली सी लग रही है, तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।